गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने YouTube चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। यदि आप सभी ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जो स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो सके हैं वहाँ उन तक वीडियो जो हमारी पहुँच सके और वो भी सब्सक्राइब कर सके। तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेल आइकन पे जो बटन हो उसे दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये आपका 11th का वीडियो है। हाइड्रोकार्बन टॉपिक चल रहा है। हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन की प्रिपरेशन में कल जो डिस्कस हुआ था वो वुड्स रिएक्शन के बारे में था और उसकी मैकेनिज्म के बारे में था। आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है, फ्रैंकलिन रिएक्शन से हम किस तरीके से एल्केन फॉर्म करेंगे। तो व्हाट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन, यानी फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये आपको इसमें देखना है। तो चलिए जरा इसमें बात करते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन बेटा क्या है, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन डिफरेंस आपका ये है कि उसमें आपने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई थी, यहां पर हमें लेना है जिंक मेटल, यहां पर ये लिया आपने एल्काइल हैलाइड RH, इसकी रिएक्शन होगी आपकी ZN के साथ में, इसी का वन मॉलिक्यूल आप और लेंगे RX, ये लिया आपने RX। जब ये रिएक्शन होगी तो ये यहां का आपका X, ये ZN और ये X आप होगा, ये R इस R के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा, तो R सिंगल बॉन्ड R और प्लस मिलेगा आपका ZN X2, ये जो फॉर्म होगा ये कहलाएगा आपका एल्केन, ये हो गया हमारा एल्केन। तो यदि फ्रैंकलिन रिएक्शन के द्वारा मैं एल्केन फॉर्म करना है तो बिल्कुल जस्ट लाइक हमारी वुड्स रिएक्शन होगी, एकदम वुड्स रिएक्शन की तरह होगा, बट डिफरेंस ये रहेगा कि वुड्स रिएक्शन में आपने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई थी और यहां पर हमें लेना है जिंक मेटल। अब यहां आर की प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आर की प्लेस पर मान लो आपने रखा CH3, यहां ले लिया आपने Cl, यहां पर ZN और यहां पर आप लेंगे तो CH3 और S के प्लेस पर लिया हमने Cl, ये इतना पार्ट आपका आउट होगा, ऐसे ये CH3 इस वाले CH3 के साथ अटैच होगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस मिलेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड आपका बाहर होगा। R की प्लेस पर आप C2H5 भी ले सकते हैं, यहां पर लिया हमने C2H5 और Br ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया ZN के साथ में, यहां पर लिया आपने C2H5Br, रिएक्शन होगी तो ये इतना पार्ट आप बाहर कर दें, ये इसके साथ अटैच होकर देगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस मिलेगा आपका ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड, ये बना हमारा ब्यूटेन और ये बना हमारा एथेन। यानी इस रिएक्शन के द्वारा हम एथेन को फॉर्म नहीं कर सकते, जैसे वुड्स रिएक्शन में था कि वुड्स रिएक्शन के द्वारा हम किसको मेथेन को फॉर्म नहीं कर सकते, वन कार्बन वाले एल्केन को फॉर्म नहीं करते हैं, जस्ट उसी प्रकार आप इसे भी इसके द्वारा भी मेथेन को फॉर्म नहीं कर सकते। अब चलिए ये हमारी जो फ्रैंकलिन रिएक्शन थी इसको आपने देखा कि क्या है हमारी फ्रैंकलिन रिएक्शन, कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक मेटल देन एल्केन इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएक्शन, यानी जब एल्केन हैलाइड की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ होती है तो एल्केन फॉर्म होते हैं और ये रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी यहाँ की ये फ्रैंकलिन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो इनको जो इसके द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो हमारी चेन है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कन्वर्जन वगैरह में इसका बहुत यूज होगा। कन्वर्जन यदि कहीं पर आपके आते हैं तो किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन में कार्बन या तो इंक्रीज करने होंगे या फिर आपको डिक्रीज करने होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया वो आपका कैसे फॉर्म हो गया, तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म तो देखें जरा बेटा मैकेनिज्म हमारी क्या है, इसमें सबसे पहले ये हमारा ZN है, ZN क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ZN डबल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा एल्काइल हैलाइड है CH3 Cl आपने लिया, मान लो मैं इस रिएक्शन के लिए
मैंगनीन एक्सप्लेन करनी है, ये आपका CH3Cl, यहाँ लिया आपने Zn और यहाँ रखा CH3Cl। जब रिएक्शन होगी तो दोनों Cl और Zn बाहर होगा, ये CH3 इस वाले CH3 के साथ अटैच होकर क्या देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस मिलेगा आपका ZnCl। अब ये जो प्रोडक्ट बना आपका एक है, ये कैसे बन गया, इसी की हमें मैंगनीन एक्सप्लेन करनी है। कहीं पर कोई भी आपका एल्किल का फॉर्मेशन हो फ्रैंकलैंड रिएक्शन के द्वारा, तो हम कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो लॉस करके Zn डबल प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों में आप CH3 सिंगल बॉन्ड Cl का जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो CH3 पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज। 2 ले लें यहां पर आप तो 2 इसके फॉर्म होंगे, 2 आपके इसके फॉर्म। अभी जो मिथाइल फॉर्म हुआ है 2 मिथाइल CH3 पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जो मिथाइल आयन है CH3 आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिनने आपके लॉस किए हैं वही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, जो गेन करेगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, CH3 पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फ्री रेडिकल। अब ये दोनों आपके आपस में जब रिएक्शन करते हैं 2CH3 तो ये फॉर्म करते हैं आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये फॉर्म हुआ हमारा ईथर। तो इस तरीके से आपकी थी इसकी मैकेनिज्म, कहीं पर भी कोई भी आपका एल्किल में फॉर्मेशन हो फ्रैंकलैंड रिएक्शन के द्वारा तो इसी तरीके से उसकी मैकेनिज्म आपको देखनी है। अब यहां पर R के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, R के लिए मान लो C2H5 लेंगे तो जहां-जहां इसमें आपने CH3 लिखा हुआ है वहां C2H5 होगा तो उस केस में म्यूटेट फॉर्म हो जाएगा। अब आप ये Zn हमारे और ये आपका Cl मिल गए, ZnCl2 फॉर्म कर देगा, क्लियर। तो ये थी आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है और ये इसकी मैकेनिज्म। तो क्लियर हुआ कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है कि व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद जिंक मेटल देन एल्केन इज फॉर्म, यानी जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक मेटल से होती है तो हमारा एल्केन फॉर्म होता है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बोट्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में और एक केवल हमारी फिटिंग रिएक्शन है तो उसके बारे में कि किस तरीके से आप जो है पीछे आपने बोट्स रिएक्शन पढ़ी, अभी हमारी है बोट्स फिटिंग रिएक्शन और एक होती है हमारी फिटिंग रिएक्शन। तो हम बात करते हैं पहले बोट्स फिटिंग, बोट्स फिटिंग रिएक्शन। तो बेटा बोट्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, ये आपका यहां पर लिया हमने 1 एल्किल हैलाइड लेंगे वो हम लेंगे एरोमेटिक का, ये ले लिया हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन और यहाँ ले लिया आपने 2NA, यहाँ ले लिया आपने मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और ये लिया यहाँ ड्राई ईथर। तो जब रिएक्शन होगी तो ये CH3 ये 2NA ये CH3 बाहर होगा, CH3 यहाँ पर अटैच होगा, अटैच होकर आपका ये फॉर्म कर देगा, यहाँ CH3 बनेगा और प्लस आपका हो जाएगा 2NaCl। तो ये बनी हमारी टॉलुइन, टॉलुइन फॉर्म होती है इसमें, अब देखें जरा इसमें टॉलुइन फॉर्म हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि वन मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक हैलाइड है और सेकंड मॉलिक्यूल हमारा क्या एलिफेटिक है, एक हमारा एरोमेटिक होगा और सेकंड मॉलिक्यूल हमारा किसका होगा एलिफेटिक होगा। तो जब एरोमेटिक और एलिफेटिक के एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तब आपका टॉलुइन फॉर्म होता है, एरोमेटिक एल्किल फॉर्म हो जाते हैं और ये रिएक्शन हमारी कहलाती है बोट्स रिएक्शन। यानी व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन टॉलुइन इज फॉर्म, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम मेटल तथा मेथिल क्लोराइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है तो टॉलुइन फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं केवल फिटिंग रिएक्शन क्या होती है आपकी, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन के बारे में जब आप बात करेंगे तो दोनों ही मॉलिक्यूल हम लेंगे एरोमेटिक हैलाइड्स के, यहां पर हमने लिखा इसको वन मॉलिक्यूल आपने ये लिया और 2NA लिया और यहां पर आपने वन मॉलिक्यूल ले लिया इसी का, तो क्लोरोबेंजीन के हमारे 2 मॉलिक्यूल हो गए और ये रिएक्शन कराया आपने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म हुआ आपका और प्लस मिलेगा आपका 2NaCl। ये जो मिलाई कहलाएगा डाई फिनाइल,
डाई फिनाइल कहते हैं, ये इसी को हम बिस फिनाइल भी बोलते हैं, बिस फिनाइल, ये फॉर्म हो गया। तो ये थी हमारी फिटिंग। तो फिटिंग रिएक्शन में आपने देखा कि दोनों ही मॉलिक्यूल एरोमेटिक रिएक्टिव होंगे। वुड फिटिंग में देखा कि वन मॉलिक्यूल एरोमेटिक का होगा, सेकंड आपका एलिफेटिक एल्केन का होगा। और इससे पहले जो आपने वुड रिएक्शन देखी थी उसमें दोनों ही मॉलिक्यूल हमारे किसके थे, एलिफेटिक हैलाइड्स के थे। तो ये इस तरीके से हमारी वुड फिटिंग रिएक्शन, वुड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन हुई, जिसके द्वारा हम एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है एक और रिएक्शन के बारे में बताते हैं, वो होगी हमारी उलमान सिंथेसिस रिएक्शन। इसके द्वारा देखिए एल्केन हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, उलमान सिंथेसिस। तो ये हमारी है उलमान सिंथेसिस। इससे हम एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये हमारा ये ओनली आइडोबेंजीन में यूज होता है। जैसे यहां पर हमने आइडोबेंजीन ले लिया, टू मॉलिक्यूल ले लिया आइडोबेंजीन के, ये हमारा आई है, और यहां पर आपने जो है इसे कॉपर के साथ हिट किया, टू मॉलिक्यूल ले लिए और यहां पर रहेगा आपका कॉपर Cu और हिट किया, तो क्या करता है ये दोनों आपके इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गई और ये बेंजीन रिंग हमारी हो गई, और प्लस CuI आपके दोनों मिलकर क्या देंगे, CuI2। अब ये जो फॉर्म हुआ ये कहलाएगा हमारा डाइफिनाइल। तो ये थी हमारी उलमान सिंथेसिस रिएक्शन, इनके द्वारा हम किस तरीके से आप जो फॉर्म करेंगे एल्केन्स को, आपने ये देखा। तो ये ओनली आपकी आइडोबेंजीन के लिए है और बाकी किसी के लिए नहीं। तो उलमान सिंथेसिस के द्वारा हम एरोमेटिक यानी डाइफिनाइल जो आपके हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। तो डाइफिनाइल आपको कैसे फॉर्म हो गया, हमने आपका आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ हिट किया, हिट करने पर ये दोनों मॉलिक्यूल इसके ऐड हो गए और दोनों आई आपकी है और ये हमारा कॉपर मिलकर क्या देगा, CuI2 बाहर हो जाएगा, ये बना हमारा डाइफिनाइल या बिसफिनाइल भी इसी को कहते हैं। तो ये था हमारा उलमान सिंथेसिस रिएक्शन, क्लियर हुआ। तो ये प्रिपरेशन आज आपने देखी, एक देखी आपने फ्रैंकलिन रिएक्शन के द्वारा, फिर देखी आपने वुड्स फिटिंग के द्वारा, फिर आपने देखी फिटिंग रिएक्शन के द्वारा, और फिर आपने देखी उलमान सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। तो अब देखें इसके बाद अगली वीडियो हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, डी कार्बोक्सिलेशन होगा आपका, तो उसमें किस तरीके से हमारी एल्केन फॉर्म होंगे। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को जो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।